नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अमित, अमित, अमित कहाँ है बाबा जी? पुणे गए हैं। क्यों? किसी काम के सिलसिले में। कब लौटेंगे? वो तो पता नहीं बेटी। आए तो कह दीजिएगा कि मैं आई थी, मैं फिर आऊंगी। ठीक है बेटी, तुम सेठ जगमोहन जी की बेटी हो ना? तुम घर से पूछ के यहाँ आती हो? जी वो जानता हूँ, प्यार चोर बन के किया जाता है और किसी दिन चोरी पकड़ी भी जाती है। बेटी, बदनामी घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बाप का सर शर्म से नीचा हो जाता है और माँ का दुख से कलेजा फट जाता है। बाबा जी, ये सब होने से पहले हम लोग शादी कर लेंगे। ये तुम्हारा सपना है बेटी, ये हमारा फैसला है बाबा जी। इस फैसले को बदल दे बेटी। क्यों बाबा जी? इस हस्ती को जानती हो? हाँ, ये तो अमित की माता जी हैं। गुस्सा, हठधर्मी, उसूल इनका नाम है। इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने ये वो दीवार है जो तुम पर गिर पड़ी तो तुम्हारे प्यार का कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसी बेबसी की हालत में अपनी मां के सामने खड़ा उनका बेटा तुम्हें प्यार का सहारा भी नहीं दे सकेगा। मेरी मानो, इन्हें भूल जाओ और जहां तुम्हारे मां बाप कहे वहां शादी कर। सब्जी, सब्जी, सब्जी। लगता चाय ठंडी हो गई। आपके मुंह से धुआं निकल रहा है। मेरी पिस्टन रिंग जो खराब हो गई है। अरे पगली, जब तुम गर्मा गर्म चाय में मेरी उंगली डालोगी तो मुंह से धुआं तो निकलेगा ही ना। तो फिर आप चीखे क्यों नहीं? वो तो इसलिए कि मैं समझा तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। आजकल फैशन है ना, हर लेडी हर लेड़ा का इम्तिहान लेती है। हाँ, पेपर लिखा है, देखो। चाय ले दीजिए। ये बताइए कि आपने मुझे इशारा क्यों किया था? क्या इशारा? अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। पता है शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है। फिल्म? कौन सी फिल्म? 6 बजे का शो है। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ, फिल्म का नाम है रेहाना डॉटर। रेहाना डॉटर। स्टोरी क्या है? हाँ, ये स्टोरी माँ बेटे की है। क्या होता है कि बेटा मर जाता है, नहीं माँ मर जाती है, नहीं बेटा आके माँ से पूछता है कि माँ मेरा बाप कौन है। सोने तोड़े वाली फिल्म है। हाँ, बस पूछो मत, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। मुझे ऐसी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। सच? तो अपनी मालकिन से जाके कह दो कि आज शाम को 5 बजे के बाद एक आदमी उनके बीच नहीं रहेगा। हाय हाय, कौन? अरे तुम पिक्चर देखने नहीं जाना? शर्म करो, कुछ देख लेगा। अरे देख लेगा तो देख ले, मैं अपनी असलियत पे आ जाऊंगा, तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी अपने मालकिन से जाके कहती हूँ। अरे वाह वाह मेरी रानी, चली गई। साहब जी, जो भी काम करवाना है मुझसे 5 बजे के पहले करवा लीजिए, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं इस घर में नहीं रुकने वाली। क्यों? तू क्या किसी के साथ भाग कर जा रही है? साहब जी, फिर मजाक। मीन साहब जी, आप साहब जी से कह दीजिए, मैं मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं लड़की हूँ किसी और टाइप ट्यूब की। हर लड़की से बेइज्जत होते हो, फिर भी मजाक से बाज नहीं आते। अरे ये तो अपनी अपनी बर्दाश्त की बात है। चुप। तुझे जहाँ जाना है चली जा, और हाँ, मालिक को बुला के काम समझा दे। ठीक है। अरे वो तो बड़ी दीदी के साथ बाहर गया है शॉपिंग वॉपिंग करने। इस नौकर का कैरेक्टर मुझे लूज लगता है। ऐसे नौकर मालिक के लिए खतरा बन जाते हैं। तो मुझसे क्या कहते हो, अपनी बहन की बेटी को समझाओ। मेरी बेटी तो ऐसे नौकरों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। तो कान खोल कर सुन ले भाग्यवान, मुझे अपनी बेटी हिमा पर पूरा विश्वास है। बीवी जी, ये आप मुझे कहां ले आई? वो घर मुझे बहुत सुना सुना सा लगता है, चला खुली हवा में घूमते हैं।
मालिक जी बेगम, बीवी जी, तूने किसी से प्यार किया है? गरीब से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, तो गरीब से क्या पूछना चाहिए? गरीब से पूछना चाहिए कि भले मानस, तूने आज रोटी खाई कि नहीं। रोटी तो जानवर भी खाते हैं। अरे गरीब भी तो जानवर ही होता है बीवी जी, सिर्फ पूंछ नहीं होती। गरीबों को ऐसा समझने वाले हैवान होते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, आपके विचार कितने सुंदर हैं। अच्छा मालिक, एक बात पूछूं? पूछिए बीवी जी। अगर तेरी मालिक ने शादी कर ली तो क्या तू भी शादी कर लेगा? ना। क्यों? वो इसलिए कि मेरे जैसा नौकर शादी में खा तो सकता है, शादी कर नहीं सकता। तुझे ये सोच के दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है बीवी जी, बहुत दुख होता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आपको तो पता है एक नौकर की तनख्वाह क्या होती है। इस तनख्वाह में मैं मुर्गी तो रख नहीं सकता, बीवी कहाँ से रखूंगा। शादी के बाद अगर बीवी को ठीक से नहीं सका तो वो तो यही कहेगी ना कि ना पिटे कल मुए, ठीक से खिला भी नहीं सकता था तो शादी क्यों की। तलाक मांगेगी या फिर किसी के साथ भाग जाएगी। हर औरत एक जैसी नहीं होती। बीवी जी, बीवी जी, बीवी जी, मैंने आपकी बात पर बहुत टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा होकर बहुत सोचा, लेकिन बात मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। किस बात का? यही कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, पर मैं कहता हूँ कि हर औरत एक जैसी ही होती। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। अरे तू क्यों नहीं मानता? वो इसलिए कि आजकल हर औरत सिनेमा देखने की शौकीन होती, सोना और जेवर उनकी कमजोरी, फिजूल खर्ची उनकी आदत। अब आप ही बताइए, मेरी 300 रुपए की तनख्वाह, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या वो मेरे साथ गुजारा कर लेगी? मैं बताता हूँ, नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। अगर अच्छी बीवी होगी तो कर लेगी। आप कर लेंगे? हाँ मैं कर लूंगी। आपको नींद नहीं आई? आपको आई? दिल कहीं और हो तो नींद कहाँ आती है। तो फिर कोई बात करो ना। अभी बातें खत्म नहीं हुई। नया नया प्यार हो तो वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है हमारा प्यार ही रांझा लैला मजनू शेरी फरहाद के जैसा है। हेमा बेटी, अरे बापे मर गए। डैडी आप इस वक्त और यहाँ? बत्ती जल्दी देखी तो सोचा चेक करूं कि हमारी बेटी क्या कर रही है। वो मैं यहाँ। तू अभी तक सोई नहीं बेटी? मैं सोने की कोशिश कर रही थी। देख बेटी, इंसान रात भर पूजा पाठ करे तो भगवान के नजदीक आ जाता है, और जवान लड़कियां देर तक जागे तो बदनामी घर के नजदीक आ जाती है। जी डैडी। जल्दी से सो जाया कर। अरे पिंकी तुम रो क्यों रही हो? अमित, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अमित, ये बेशर्म लड़की कौन है? मां जी, ये पिंकी है। हम पूछ रहे हैं कि इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो बेशर्मों की तरह तुम्हारी बाहों में झूल रही है। मां जी, मैं इसे प्यार करता हूँ। अमित, मां जी हम दोनों एक गलती कर बैठे। हम आपके पास शादी की इजाजत लेने आ ही रहे थे। हम उन आंखों की नींद उड़ा देंगे जिसने इस लड़की को हमारे घर की इज्जत बनाने का सपना देखा है। आज तक हमारे खानदान में ना ऐसा हुआ ना होगा। चल। माँ जी आप यहाँ? पूना से कब आए? अभी हाँ माँ जी, पर आप अचानक। तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? हाँ, जात बिरादरी वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते। उनका मुंह बंद करने के लिए हमने एक लड़की पसंद कर ली। माँ जी वो कह के
मैं क्या बात है? तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्या तुम्हें हमारे फैसले से इनकार है? नहीं माँ जी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? कोई दूसरी लड़की पसंद करनी है क्या? हाँ माँ जी। हमारे बेटे की इतनी हिम्मत कि हमारी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी लड़की को पसंद कर ले? तुम अच्छी तरह से जानते हो अमित कि हमारे बनाए हुए उसूल और हमारे फैसले कभी नहीं बदलते। आप समझते क्यों नहीं माँ जी? बगावत करना चाहते हो तो कर लो, हम भी अपने उसूलों की खातिर अपनी औला को निछावर करके बे औलाद हो जाएंगे और खुद भी नहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। और मेरी जिंदगी नहीं। आपने ठीक ही कहा था बाबा जी, वो दीवार मेरे पैर पर गिर पड़ी है। अमित की माँ उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करने के लिए उसे लेने आ गई है। अमित ने मेरी परवाह नहीं की और अपनी माँ का फैसला मान लिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था बेटी, लेकिन नौकर समझकर तुमने यकीन ही नहीं किया। जाओ बेटी जाओ और अपने अमित को भूल दो। कैसे भूल जाओ बाबा जी, कैसे भूल जाओ? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तूने क्या किया बेटी? प्यार के रास्ते पे चलकर माँ की शर्म और बाप की इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। बाबा जी। बेटी चिंता मत कर, मैं अभी जाके मालकिन से बात करता हूँ। नहीं, उनमें दिल नहीं पत्थर है, और पत्थरों के सामने प्रार्थना करने से भीख नहीं मिलती। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिंकी, क्या बात है बेटी, किसी ने कुछ कहा? देख बेटी, माँ बेटी में कोई पर्दा नहीं होता, बता क्या बात है? मुझे माफ कर दो माँ। मैं सब समझ गई। अरे जवानी मुझ पर भी आई थी, लेकिन मैं तो नहीं बहकी। बता क्या नाम है उसका? बता क्या नाम है उसका? बोल क्या नाम है उसका? बोलती क्यों नहीं, क्या नाम है उसका? उसका नाम पूछकर क्या करूँगी माँ? उसने मुझे धोखा दिया है, उसकी माँ उसकी शादी कहीं और करने जा रही है। मुझे जान से मार दो माँ, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं उसके बच्चे की। खामोश हो जा, खामोश हो जा, पास पड़ोस में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। नहीं माँ नहीं, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। तुझे जिंदा रहना होगा, अगर तू मर गई तो लोग अफसोस करने आएंगे। हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमारी जवान बेटी क्यों मर गई? तू इस बदनामी को छुपाने का काम मुझ पर छोड़ दे, तू अपनी जबान बंद रख। इस दुनिया में आने वाले बच्चे को बाप का नाम मैं दूंगी, अगर ऐसा न हुआ तो इस बदनामी के डर से तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा और हम सब जीते जी मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हे भगवान, बेटियां क्या चीज है? इतने नाजुक रिश्ते क्यों इतने भारी होते हैं, ये सिर्फ एक बाप ही जानता है। आ बेगम, मैं अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रहा था कि कब इनके कर्ज से हम आजाद होंगे। सुनो जी, बेटी की शादी की तैयारी करो। क्यों, राजा ने किसको पसंद किया है? पसंद क्या, उसने तो हमें मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या मतलब? तुम्हारे दोस्त के बेटे ने हमारी इज्जत को आसमान से खींचकर अपने कदमों पर गिराया है। हमारी बेटी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मोहनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, उसका खून इतना गंदा नहीं हो सकता।
उसके बेटे पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं ला रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। मैं पिंकी की माँ हूँ। माँ तू भी माँ, वो भी माँ। अगर ये सच है तो मैं पिंकी को गोली मार दूंगा। गोली मारोगे तो पूरा मोहल्ला सुनेगा, दरवाजे पर जमा लोगों को क्या जवाब दोगे? अपने दामन के दाग छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अपने दोस्त को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। उससे कहो, बल्कि उसे मजबूर करो कि वो हमारी बेटी को अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले जाए। हेलो जगमोहन। हाँ भाई, क्या बात है, फोन क्यों किया? मैंने अपने बेटे को जिस मिशन पर भेजा था उसने पूरा कर लिया कि नहीं? मोहल्ला, तू जिस काम में बिजी है उस काम को वहीं छोड़कर फौरन मेरे पास चला। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जगमोहन, क्या बात है? मोहनलाल, मोहनलाल, मैं रोना चाहता हूं, रो नहीं सकता। मैं फरियाद करना चाहता हूं पर हिम्मत हिम्मत साथ नहीं देती। मैं पागल हो गया हूं। मैं जीते जी मर गया हूं। नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे बता, तुझे कहना क्या चाहता है, बात क्या है? मैं बेटी का बाप हूं, कैसे बताऊं? तू खुद ही समझ ले, मेरी बेटी के माथे की बिंदिया गिर गई है, उसकी आंखों का काजल जमीन पर बह गया है। आंखें बंद करके जिसको इस घर में इतनी इज्जत दी, तेरे बेटे ने मुझे लूट लिया। ऐसा नहीं हो सकता। राजा बड़े मन जी, इसे ले जाइए यहां से। जो कुछ पूछना है घर जाकर पूछना। अगर इसने कोई सफाई पेश करने की कोशिश की तो मैं और ज्यादा जलील हो जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है, ये तो मेरा नौकर है। क्या? ये तेरा नौकर है? मैं तेरे नौकर को तेरा बेटा समझकर अपनी बेटियों से शादी करने के सपने सजाता रहा? राजा कहाँ है? जी वो राजा। डैडी, आप यहां? डैडी के बच्चे, मेरे दोस्त की इज्जत से क्या खेल किया तूने? इस नौकर को मालिक बना कर ले आया यहां। बिलीव मी डैडी, मैं नौकर सिर्फ इसलिए बना था कि जिंदगी में अपने होने वाले साथी को पहचान सकूं कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। इस कमीने ने उस साथी की इज्जत बर्बाद कर दी है।